एपर्यंत नीलगिरी आईएसी कौनसी आक्शन मुड तो आसी बरम सांबादिक बाजा बाला कही तात्सल्य कर घटना होगी बालेश्वर बाहानगर बाहानगा वीडियो रघुनाथ पाणिग्राही 25 तारीख में जोबले सरकारी कार्य दिवस से बालेश्वर पीडीडीआरडीओ घोषणा कले 25, 26, 27 सरकारी कार्य दिवस रही अर्थात छुट्टी दिन को बातिल करागला ठीक जो दिन कार्य दिवस बोली पीडीडीआरडीओ घोषणा कला से दिन बाहानगा वीडियो सीधा निज सरकारी कर्मचारी सहित निज सहकर्मी सहित सरकारी गाड़ी व्यवहार कर मद मांसर आसर करुले अर्थात काम नक सरकार तरफ जो काम छुट्टी बातिल करा से काम नक गोटे पहाड़ उपरको जाते सेठे सरकारी कर्मचारी सरकारी गाड़ी नहीं मद मांसर आसर करते ठीक से अर्गसर प्रतिनिधि संजय महालिक पहुँची थे सेठे खबर संग्रह करने आउ हठात सरकारी बाबू वीडियो रघुनाथ पाणिग्राही बाहानगा वीडियो बड़ किराणी एवं तत्सहित जो ऑफिसर पियन रही थे सहकर्मी समस्ते मिसी अटाक कले संजय महालिक को कहीं आसिकी आपण ये खबर संग्रह करवल अटाक कले कहले जे चुटकी तंभिया सांबादिकों को आम उड़ेदेबू यार प्रतिवाद रे बालेश्वर सांबादिक संगठन तरफ विगत 5 दिन धरी अनशन चली किंतु एपर्यंत ना तो राज्य सरकार को निद्राभंग होली असामाजिक असाधु अपराधी प्रवण वीडियो को निलंबित करने गिरफ्त करने ना तो पुलिस विभाग एपर्यंत कौन आक्शन मुड को आसूचना एपर्यंत रघुनाथ पाणिग्राही पाखे पहुंची पारे ना पुलिस बड़ प्रश्न यह सामना को आसूचे रघुनाथ पाणिग्राही कौन एत शक्तिशाली जे पाखे पुलिस पहुंची पारना ना पुलिस केउटना केउटी चाहूनी रघुनाथ पाणिग्राही को गिरफ्त करने पुलिस सरकारी अधिकारी को सुरक्षा देउछे ए तमाम दिग को नहीं आलोचना करवा अधिक खबर पर आम सहित अच्छे प्रतिनिधि संतोष जेना अच्छा संतोष घटना को 5 दिन पूरला किंतु एपर्यंत पुलिस हाथ खाली रघुनाथ पाणिग्राही को तो गिरफ्त करने दूर कथा एपर्यंत रघुनाथ पाणिग्राही केउठी अछंती तांको सहकर्मी जो माने अभद्र आचरण करते जो माने अपराधी भली व्यवहार करते से केउठी से नहीं पुलिस पाखे कौन पत्ता ना 5 दिन पर स्थिति कौन ना 5 दिन पूर्व जहाँ पुलिस एवं से कौच आम पाखे डिजिटाल सुविधा ना आप बाजा बजेदे अपराधी खसी जाऊँ आम अपराधी को धरी पार्न देखंतु अपूर्व जो बाजा बजाई दबार फर्मूला एक कथा नीलगिरी आईआईसी निजे कौतुबार चित्र आम जनसाधारण को देखु एवं यह सहित आम प्रथम को रखा चाहूँ आम खबर परेषण कराया चाहूँ आम के खबर होगाक पसंद करूना एवं विशेष भाव में जितेबाला आज सांबादिक आक्रमण घटना सामना को आसी या भितर 5 दिन बीती या भितर लगातार भाव आम बाहानगा वीडियो एवं जी असिस्टेंट इंजीनियर एवं तांको जेई एवं तांको पियोन कुनाजना ये समस्त को खोजिछु अर्थात पीडी जे प्रोजेक्ट जे प्रकल्प निर्देशक अच्छा से कहते हठात मते वीडियो सांगे सांगे लीव आप्लिकेसन दे मेडिकल लीव आप्लिकेसन एडीएम कलेक्टर सामने रे कहते सार एक कथा कौन सा कौन सत्यता अच्छी ना सेमाने केबे एका सांगे छुट्टी नहीं न थांते एवं एक आपड़ जाणी रखु जे सांबादिक संजय महालिक गोटे एफआईआर कर सारापर तार 24 घंटा पर महिला एम्प्लॉई मान लगे वीडियो आउ गोटे काउंटर एफआईआर करते अर्थात काउंटर एफआईआर अर्थ सेमाने से दिन भोजी करुले ए प्रश्न जिला प्रशासन से पचारा दरकार नीलगिरी आईआईसी को आम बारंबार अभियोग करुच्छू जे तदंत के बाट गला इन्वेस्टिगेशन केट गला आपड़ प्रतिक्रिया रखुद किंतु एवं से लुचुच्च सामान भाव में मुझे देखुए जे एसपी ऑफिस का कार्यालय सामने ढड़ाई पखापाखि दीर्घ 2 घंटा धरी आम एसपी को अपेक्षा करनेक सामाजिक संगठन मैंने एसपी ऑफिस मेमोरांडम देते आज शेष समय अच्छी जदि आज सुधा कौन कार्यानुष्ठान नियंती एसपी ऑफिस किसी सामाजिक संगठन माने आमरण अनशन में बसवे या सहित केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी एवं विजु जनता दल वरिष्ठ नेता एवं विधायक तांको सहित भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ये सब दल नेता माने ये सांबादिक मानकर आंदोलन को समर्थन जनाउचंती या सहित जिलापाल से प्रतिश्रुति देते आज गोटे दिन भितर ये सब कथा बुझे अर्थात आउ मात्र 2-3 घंटा समय भितर आज एक दिन पूरब एवं एक दिन पर जिलापाल निजे प्रतिश्रुति आज दिन भितर जो मैंने अभियोग जो मान अच्छी जो मैंने ये कांड भिई से विरोध में कार्यानुष्ठान आईन अनुजाई संजय महालिक आम प्रतिनिधि अच्छा संजय 5 दिन पूरला घटना को कि जिलापाल आज देखते शेष दिन आज सुधा जो मैंने अभियुक्त से गिरफ्त करोध में कार्यानुष्ठान
एबे भी आपनकर विश्वास अछि जे सेदिन जे अभद्र चिता आक्रमणर आपन शिकार हेले तार न्याय आपनकु मिलिबो। पुलिस प्रकृतरे से असाधु सरकारी कर्मचारी अभद्र अपराधी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध रे कार्यनुष्ठान ग्रहण करिवो एने विश्वास एबे भी अछि आपनकर मनरे। निहाती भावे अपूर्व देखु से दिन जो घटना थी निहाती जो आक्रमण करते जो वीडियो बाहानगर वीडियो जो थे रघुनाथ पाणिग्राही थे जो अश्लील भाषा एवं सहित जो आक्रमण तरीका थी निहाती लज्जा जनित थिला जहाँ को नहीं समस्त महल रु वर्तमान निंदा प्रकाश कर साधारण महल रु आरंभ कर राजनैतिक स्तर एवं विभिन्न सांबादिक स्तर में निंदा प्रकाश देखा दी तेज वर्तमान आज आम से ही घटना जो धारणास्थल वर्तमान अच्छू आम सहित बर्तमान जोड़ी होती उत्कल सांबादिक संघर सभापति अच्छा प्रतिक्रिया आज कौन कहे आज घटना को पांच दिन पूरी गला बर्तमान सुधा कौन सी कार्यानुष्ठान ग्रहण कर स्थानीय प्रशासन आरंभ कतु नहीं जिला प्रशासन समस्ते नीर कौन कहे विषय देखु घटना पांच दिन बीती गला तथापि कौन प्रकार पदक्षेप ग्रहण करमें तथापि बसीचु ये छाड़बू ना जिते पर्यंत आमको न्याय न मिली अपराधी को गिरफ न करते पर्यंत आम यस्त बसबू थाना सम्मुख में बसबू खाली आमर आम पाख को खाली प्रतिश्रुतिर छुट्टी सत किंतु वर्तमान सुधा कौन सी प्रकार गिरफ्त करा आम आज यही दान रास्त बसीचु आ सरकार को आम चेत देव चाहूँ जेपर्यंत अपराधी को गिरफ्त करान जामें से पर्यंत एटी आम बसीबू आज भी जहाँ आम शुणा पाऊ जो उत्कल सांबादिक संघ रही संघ पक्षर जो मुख्य अधिकारी रही पुलिस अधिकारी एक दाबीपत्र जना जा विषय आप देखु आमर राज्य सभापति आसंता का बालेश्वर पहुँचे आम ए संपर्क गोटे मेमोरांडम जिलापाल देबू सेठार आसी एटी पुणी आम धारणास्थल बसबू जेपर्यंत आमर दाबी पूरण न होती आम से पर्यंत धारणा देबू बोली आमर निष्पत्ति आम जो उठबू जो आम दाबी पूरण हेल्ले उठबू ना उठबू ना आपनो तो आम सहित तो दीर्घ पांच दिन धरी जोड़ी होती सब कथा को जानुंट पुलिस जो कार्यकलाप रही भी आप घटनास्थल जापार तेज कौन कहे प्रकृतर कौटी भूल रही विधि व्यवस्था भितर कौटी भूल रोज प्रशासन भूल रोज नीलगिरी पुलिस भूल रोज अभियोग आम कर नीलगिरी थाना करयटार नीलगिरी थाना अधिकारी देवा कथा कितु अभियोग अनुसार तदंत करके कार्यानुष्ठान ना कथ कार्यानुष्ठान नौ नौ नुतरू आम धारणा बसु आम प्रथम कथा है सरकार जो विधि व्यवस्था कर 5G प्रचलन करे अभोग कला सांगे सांगे एफआईआर कपी देवा एफआईआर कपी 24 घंटा लगला धारणा देखा एफआईआर आम पाइल तापर आज पर्यंत पांच दिन है बाबू मान तदंत परिसर को अणादेवनी आमर प्रथम प्रथम दाबी हो जे सांबादिक कार्यरत सांबादिक को आक्रमण कर समस्त जिनस उद्धार करुक्त मानकर विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जाऊ अभियुक्त मानक विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान सहित जो बाबू को पुलिस बाबू को ए तदंत करने जो डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग अच्छी नीलगिरी दुई दुई थर माड़ खाइले सबरू पैसा नौले गोटे एएस आई टाक देएस विरुद्ध इनक्वारी करने तुरंत से एएस आई को अपसारण करके एक उच्चस्तरीय तदंत करूँ ए तीनोटी दाबी जिते पर्यंत पूरण न होते पर्यंत ए धारणा चालू रशेषकर जदि जोपरी भाव जन समर्थन आम पाक आसूची आज दलगत निर्विशेष विभिन्न संगठन विभिन्न राजनीतिक दलर संगठन आज आसी समर्थन देते प्रशासन जिला प्रशासन उपखंड प्रशासन को लिखित आकार दे जदि न्यायाबल या जन आंदोलन में परिणत कर आंदोलन को मलकानगि नीलगिरी पर्यंत यह आंदोलन चली रास्त न्याय ना पर्यंत यह आंदोलन को जोरदार कर निहाती भावे अपूर्व जो शुणुते ये होती जो उत्कल सांबादिक संघर कर्मकर्ता मैंने रही थे जो दाबी रही जिते पर्यंत जेको सांबादिक हो न्याय न मिले अपराधिक कार्यकलाप लिप्त थिबा वीडियो विरोध में एवं समस्त सरकारी अफिसर जे अफिसर अधिकारी कर्मचारी जो मैंने से दिन मदमांस असर करुते जो मैंने संजय महालिक को आक्रमण करपर्यंत से विरोध में कार्यानुष्ठान होना से पर्यंत सांबादिक आंदोलन जारी रहोष जेना पाक पुणी।
पुणी थे फेरवा संतोष केवल सांबादिक आक्रमण नुहे केवल संजय महाली आक्रमण नुहे बरम स्थानीय लोके अभियोग आंगीन अभियोग स्थानीय विडीओ कर्मचारी विरुद्ध दुर्नीतिर अभियोग आसी अनेक समय दुर्व्यवहार प्रदर्शन कर सरकारी अधिकारी मैंने तत्सत घंटा घंटा धरी सरकार सरकारी अफिस्र बारंडार अपेक्षा कर संगीन अभियोग आसला आज आप कम से कम अनुमान करुंट कि ना जिलापा निर्देश पर नीलगिरी आईआईसी नीलगिरी थाना बाबू मान बॉडी लैंग्वेज रे किसी परिवर्तन आसी प्रकृत एक्शन मोड को आसी ना केवल जिलापा निर्देश पर गोटे कामचला भाव कम कर देखो तो अपूर्व कथा आसुची जितेबाला जिलापाल कहिसंती मात्र 24 घंटार समय तो से समय को अपेक्षा समस्त करिसंती एवं विशेष भाव में एसपी को पाखरे ए पर्यंत कथा पहुंची थियो बोले आमे बाबू कहीं देखूँ विधायकों समेत केन्द्र मंत्री प्रताप षडंगी सहित एसडीपीओ नीलगिरी एसडीपीओ आईआईसी समस्त एसपी सहित कम्युनिकेट करुंची पाखापाखि या भितर पांच दिन समय बीती आज पांच दिन जिते समय बीतला तो सेत एसपी बोध हुए या सुपरविजन करवा कथा कहीं आम समस्त जानते जिले में कौन गोटे घटना घटना कहीं सबू घटार तदंत करवा तदंत अधिकारी करेंगे किंतु ये समस्त घटार सुपरविजन एसपी दायित्व अच्छी ए प्रश्न आम एसपी कार्यालय सामना को आसीचु जहाँ शुणाऊँ जे आईपीएस अफिसर मानक बर्तमान समय भर्चुआल मीट चली आईपीएस कन्फरेन्स चलती से समय दे पारना आ कि समय पर आडिशनाल एसपी को भेटू कि एक पचारिबू आज जिलापाल आज जिते मात्र आउ कई घंटार समय रही समय पूरी जिलापाल प्रकृत में कौन निष्पत्ति ने या भितर किसी पुंगानुपुख समस्या समाधान करने समस्ते निष्पत्ति ने कि अति कम्रे संजय महाली जो फोन जो लैपटॉप जो बूम आई कार्ड और तार जो कॉर्ड ये सब चोरी होगुड़ी सब छोड़े नहीं अति कम्रे पुलिस एगुड़ी जबत करूँ और जेहेतु 307 दफा पुलिस रुजु कर मामला दायर कर तो निहाती भाव में अति कम्रे दुई तीन जन को पुलिस गिरफ्त कथा किंतु वर्तमान समय पुलिस तदंतर आल देखा एवं इन्वेस्टिगेशन को गोटे बाहानाबाजी कर समस्त को फटुआंसी वर्तमान बेल करने वर्तमान चेष्टा चलती वर्तमान गोटे सूचना मिलू कि या भितर बाहानागा विडीओं कार्यालय परिसर दृश्य आम जी देखु ए विषय में कलेक्टर अवगत अच्छा प्रकल्प निर्देशक अवगत अच्छा बोध हुए से बाहानागा विडीओं समेत कर्मचारी और जो मैंने कंट्राक्टर अच्छा से विरोध में प्रकृत में कि कार्यानुष्ठान निया जाउछि ताकु ही अपेक्षा रही सहित आम गोटे वीडियो देखेछु दर्शक मानू गाँ गाँ में लोके केमती पंचायत समिति कर्मचारी मानू घेरुछंती समस्त प्रश्न पचारुछंती अभियोग आधार संगे संगे पुलिस कौन पे कार्यानुष्ठान पूर्व आम राज्य अनेक घटना नजर रही पुलिस अवहेला किभली भाव दोषी मैंने खसी जाऊँगी प्रकृत दोषी पाखे पुलिस पहुँची पारना एत सब घटना पर नीलगिरी थाना आईआईसी प्रभंजन बेहरा हूँ नीलगिरी थाना रे जो माने अच्छा कर्मचारी से माने कौन पे एंते खामखियाली हो गले जितेले अभियोग आसुची माड़ आउ दुर्व्यवहार अभियोग से कौन पे त्वरित कार्यानुष्ठान नियागला ना यह एक बड़ प्रश्न जे पुलिस कौन पे बारंबार एभली अवहेला प्रदर्शन करुछे देखो अपूर्व कथा आसुची जितेबाला जड़े क्लास वन अफिसर अफिस छाड़े कर्मचारी मानू कर्तव्य समय रे कर्तव्य को अवहेला करी निज निज ब्लॉक अधीन बाहरी आउ गोटे ब्लॉक अधीन को पशे से पहाड़ भितर बसी भोजी करेंगे मद पीबे और महिला कर्मचारी सहित तो नाच गीत करेंगे यार जदि किए भिडियो कैद करने को चेष्टा कला कंट्राक्टर मान लगे माड़ मारे ये भूल भिडियो निजे कर सारी जहाँ सूचना अच्छी से बेल अप्लाय करने हाइकोर्ट जाती सब बड़ कथा आप जो प्रश्न पचारे पुलिस अनेक समय देखाई पुलिस कार्यकलाप कितु ए प्रसंग में आम पूरा गोटे कथा सीधा सड़क बिना भाविया चिंतार चिंता करवा चिंता करपर जो पुलिस कौटना कौटी चापरे अच्छी पुलिस वीडियो महाशय को भय करुच्ची वीडियो स्थानीय अंचल में किसी राजनेता संपर्क कर प्रशासनिक कार्य अर्थात साधारण लोकों सेवा कम कर राजनैतिक गोटी बेसी चलाउं जो राजनैतिक गोटी चाड़ना भितर पुलिस बेसी जाऊँगी और पुलिस सत्साहस कर वीडियो महोदय राजनीति गोटी चाड़ना को भूखेप करने जो राजनीतिक गोटी चाड़ना को सी अस्त्र कर वर्तमान समय सांबादिक मानू दीर्घ चार दिन ऊर्ध बीतला आज थंडा काकर शीतर छाड़ बोध हुए से भूली जाऊँचता और सांबादिक मैंने किभली भाव में आगामी दिन में मुहतोड़ जवाब देवे हे तो से आक्रमण कर निजक किसी बहादुर प्रमाण करने चेषा कर दुर्नीति भ्रष्टाचार व्यभिचार व्यवहार को लोकों सामना को आने बेस कम दिन लगे और गोटेपर गोटे पहाच सांबादिक मैंने अतिक्रम कर
ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ। ଏକଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜନେତାମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛତ୍ରଛାୟାତଳେ ରଖି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ଭାବିବା ଦରକାର ଅତି କମ୍ରେ ଇଏ ୟୁଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବେ, ଏଠି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ଗୋଟିଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ପିସିର ଦଲାଲି ସଜେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଓଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିନାହାନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା। ସଞ୍ଜୟ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାକୁ, ଆମ ଭିୟର୍ସକୁ ଜଣାଇବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ 25 ତାରିଖରେ ଘଟଣା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା, ଆପଣ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅପୂର୍ବ, ଦେଖନ୍ତୁ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଆମର ସୋର ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ସୋର ବ୍ଲକ୍ଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଯେଉଁ ନୀଳଗିରିର ଯେଉଁ ବର୍ଡର୍ ଏରିଆ ଅଛି ସେଠି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ ଅଛି। ପାହାଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଟୁରିଜିମ୍ର ଖବର ପାଇଁ ମୁଁ କଭରେଜ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠାକୁ। ସେଠାରେ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାହାନଗା ବ୍ଲକ୍ର 2ଟି ଗାଡ଼ି ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତେବେ ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, ଏଇଟା ତ ବାହାନଗା ବ୍ଲକ୍ରେ ଯାଉନାହିଁ, ଏଇଟା ଔପଦା ବ୍ଲକ୍ରେ ଯାଉଛି। ତ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ୍ରୁ ପାର ହୋଇକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ COVID-19ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ମଦମାଂସର ଆସର ଜମେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପିକନିକ୍ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସବୁ ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ଯେଉଁ ବାହାନଗାର ବିଡ଼ିଓ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଦ ମସଗୁଲରେ ଆସର ଥିଲେ, ଗୀତ ନାଚରେ ସେ ପୁରା ମସଗୁଲ ହୋଇକି ଥିଲେ। ଏବଂ ସେହି ଘଟଣାଟି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ବାବୁଙ୍କର ରାଗ ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ? ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁଠି କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗିଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ନିୟମିତ ପ୍ରଥମେ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କେତେ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେଠାରେ ଯେତିକି ଯେଉଁ ବାହାନଗା ବ୍ଲକ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ପାଖାପାଖି 5ରୁ 7 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ବାହାନଗା ବ୍ଲକ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପଥର ମାଫିଆମାନେ ଥିଲେ 10ରୁ 15 ଜଣ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହିମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପଥର ମାଫିଆମାନେ ସିଧା ଆସିକି ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଅପୂର୍ବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ନୀଳଗିରିର ଯେଉଁ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆମ FIR ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଅଧିକାରୀ ଆମ ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଥାନାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କ ଚେକଅପ୍ କରିବା, କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପୋଲିସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ କାହାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କିମ୍ବା କାହା ଚାପରେ ଆସି ପୋଲିସ, ଗୋଟେ ପଟେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। ତ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଏଇଭଳି ମନୋଭାବ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ? ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ସେମାନେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ପୋଲିସ କରୁଛି କ'ଣ? ସିମ୍ପଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କେଉଁ ପଥର ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଯାଇକି ସେଠାରେ ମଦମାଂସର ଆସର ଜମେଇଥିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଏ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର କିଏ ଦେବ? କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଯେ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନା ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଧରିବ? ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଥିଳ ପଡ଼ିଛି ତଦନ୍ତରେ? ଘଟଣାକୁ 5 ଦିନ ଘଟିଲାଣି ଏବଂ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ମୁଡ଼କୁ ଆସୁଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ଥିଲା ତା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଛି ନା କେବଳ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସମୟ ସରିଛି, ଅର୍ଗସ୍ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।